तुलको देखा दो, ये देखिए बहुत बढ़िया बना हमारे पकोड़े। ये देखिए, नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पापड़ी। अगर आपके रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको मिल सके। पापड़ी के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने लिया है 1 कप मैदा, रिफाइंड ऑयल आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, नमक। अब हम एक बर्तन में ये मैदा डाल देंगे और इसमें ये अजवाइन क्रश करके ऐसे डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। तेल मैंने 3 चम्मच लिया है, पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, बाद में जरूरत होगा तो डालेंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मुट्ठी बन रहा है हमारा, मैन सही है। अब हम तेल नहीं डालेंगे, तेल के बदले आप घी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डू तैयार करेंगे। डो बनाने में मुझे आधा कप से कम पानी लगा है। टाइट डो बनाना है और इसको अच्छा से मसल लेंगे। डू तैयार हो चुका है, अब हम इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। हो चुका है, डू सेट हो चुका है। अब हम इसको छोटा-छोटा गोला बनाएंगे। अब छोटा-छोटा गोला बना सकते हैं, नहीं तो बड़ा गोला बनाकर ग्लास से या कटर से काट सकते हैं। इस तरह छोटा-छोटा गोला बनाना है। इस तरह हम सारा गुला बना लें। देखिए सारा गुला तैयार हो चुका है, अब हम पापड़ी बेलेंगे। एक गुला लेंगे, ज्यादा मोटा ज्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह बेलना है और कांटा से ऐसे छेद कर देना है। देखिए इस तरह हम सारा पापड़ी बेल लेंगे। इस तरह सारा पापड़ी हम बेल लेंगे।
मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल डाल कर रख दिया, गैस ऑन कर दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये मच्छी इसमें फ्राई करेंगे। तेल ज्यादा गर्म नहीं करना है, एक बार में जितना आएगा इतना डालेंगे। फ्लेम स्टीम से मीडियम रखेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे, बीच बीच में इसे ऐसे पलटते रहेंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं देंगे। फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको फ्राई कर देंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। सारा पापड़ी तैयार हो चुका है। पापड़ी मैंने प्लेट में सर्व कर दिया। आप ये पापड़ी चाट में डाल सकते हैं, दही पापड़ी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।